सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं अमन और आप लोग देख रहे हैं राइजिंग बॉय अमन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस चीज के ऊपर होने वाला है। सो गाइस, जी हां, आपने सही देखा है, मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं हाउ टू डू इस टॉपिक। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चलते हैं अपने साइकिल की तरफ। हां, सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने साइकिल के ऊपर, देख सकते हैं। और गाइस, चलिए आप लोग को इस टॉपिक का ट्रिक बताते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक करने से पहले आप लोग हेलमेट जरूर पहनिएगा, क्योंकि गाइस अगर आप गिरिएगा तो आपका गाइस सर भी फट सकता है। सो गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी स्टंट करते हैं तो आप हेलमेट जरूर पहनिए। और चलिए गाइस, बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। गाइस, जो ट्रिक नंबर 1 है हमारा, वो देख सकते हैं मेरे साइकिल में गाइस डिस्क ब्रेक है। अगर आपका साइकिल में डिस्क ब्रेक है तो हाइड्रोलिक ब्रेक का सफर आप कर सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, करते हैं, आपको ट्रिक बताते हैं गाइस पहला ट्रिक क्या है। तो गाइस, जब भी आप इसको करते हैं तो आपको बॉडी पोजिशन आपको कुछ इस तरीके से लेना है, जैसे आप जब आप स्टॉपिंग करेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से लेना बॉडी पोजिशन। ब्रेक को अप्लाई करके आपको इस तरीके से लेना बॉडी पोजिशन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं वीडियो में करके बता रहा हूँ। आप लोग को इतना ज़्यादा जोर से लेना गाइस, आपको इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। तो चलिए गाइस, अभी हम आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं। तो गाइस, जो हमारा सेकंड नंबर ट्रिक है वो गाइस, अगर आप स्टॉपी उठा लेते ज़्यादा स्पीड में तो गाइस आप आगे पलट सकते हैं। तो गाइस, उससे उसको उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, ब्रेक को छोड़ देना गाइस हल्के में। और देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया है। और गाइस, आपको इसको पटकना नहीं है, आपको पीछे ब्रेक अप्लाई करके पटकना, जिससे क्या है कि आपका चेन में ज्यादा झटका नहीं पड़ेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइस, आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस, मैं आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाता रहूँगा और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।